नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्रीन गार्डन पर और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुलसी प्लांट के बारे में। क्या आपने भी अपने घर पर तुलसी प्लांट लगाया हुआ है और आप भी उसे घना और हरा भरा बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके काफ़ी काम आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। अगर आप हम लोगों के चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा दीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, फिर मैं वीडियो की शुरुआत की देता हूँ। का पौधा आपको भारत में ये लगभग हर घर में आपको मिल जाएगा। इसकी बहुत सारे लोग पूजा भी करते हैं। और दोस्तों, बात की जाए हेल्थ बेनिफिट की, तो दोस्तों इसके आयुर्वेद में बहुत सारी औषधीय लाभ भी हैं। आप में ऐसे बहुत सारे दोस्त चाहते होंगे कि उनका भी पौधा इस तरह से घना और हरा भरा बना रहे। तो दोस्तों, मैं अपने तुलसी के पौधे में लगभग महीने में दो बार गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट ऐसी खाद देता रहता हूँ। इसी वजह से दोस्तों मेरा तुलसी का पौधा घना और हरा भरा बना रहता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की। तो दोस्तों, मैं अपने तुलसी के पौधे की जो सोशल मीडिया आप देख पा रहे हैं, इस तरह की कुछ थोड़ी नमी रखता हूँ। और दोस्तों, तुलसी के पौधे को ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं पसंद होती। इस वजह से दोस्तों आपका तुलसी का पौधा सूख भी सकता है। तो दोस्तों, आपको तुलसी के पौधे में ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अपने पौधे में खाद किस तरह से देना है ये भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर लेता हूं, फिर दोस्तों बात करेंगे खाद के बारे में, आपको अपने पौधे में किस तरह की खाद देनी है। तो चलिए फिर मैं पौधे की अच्छे से गुड़ाई की लेता हूं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक टूल लिया हुआ है, इसकी सहायता से मैं पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर लेता हूँ। गुड़ाई आपको लगभग 2 इंच गहरी करनी है, अगर आपका पौधा गमले में लगाया हुआ है। अगर आपका पौधा ज़मीन में लगाया हुआ है तो आप 3 से 4 इंच गहरी गुड़ाई कर लीजिए। तो चलिए फिर मैं पौधे की अच्छे से गुड़ाई किए लेता हूँ। अच्छी तरह से गुड़ाई कर लिए, ये देखिए दोस्तों, अब मैंने लिया हुआ है गोबर खाद। इसकी जगह आप बर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट या फिर कोकोपीट भी यूज कर सकते हैं। इस खाद को आपको चारों तरफ अपने पौधे में अच्छे से डाल देना है। इससे आपका तुलसी का पौधा घना तो होगा ही और आपके पौधे की अच्छे से ग्रोथ भी होगी। तो चलिए फिर मैं गोबर खाद को अच्छे से एक लेयर बना देता हूँ। मैं अपने पौधे में अभी पानी नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पौधे में जो है नमी बनी हुई है। अगर आपका पौधा सूख रहा है तो दोस्तों आप उसमें वाटरिंग कर सकते हैं। अब आप अपने पौधे को ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर 2-3 घंटे की हल्की फुल्की धूप आती हो। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।